इट्स एग्जाम्पल, फॉलो अप बाद में करेंगे. फर्स्ट फरवरी गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 4 लाख, 4 लाख का 12% सीधा करिए क्योंकि आईजीएसटी है तो कंबाइंड है. परचेसेस अकाउंट डेबिटेड, दिस इज परचेसेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड, इनपुट यस कंबाइंड इंटेग्रेटेड, यहां पे आई का मतलब स्टूडेंट्स इंटेग्रेटेड है, इंटेग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस चेक्स, अकाउंट डेबिटेड 2% का नाम है, उधार पे है 2 मिश्रा. सो परचेसेस अमाउंट आई विल बी फिलिंग फर्स्ट, 6 + 6 इंटेग्रेटेड 48,000. सो मिश्रा से मेरे को मिश्रा मेरे लिए लाइबिलिटी बनेगा कितनी अमाउंट के लिए, 4,48,000 बीइंग गुड्स परचेज एंड इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट वर्ड लिखता है कि क्या लिखता है, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड 12% पेड एज आईजीएसटी. ठीक है जी, आगे चलते हैं. कम एट 8 फरवरी, अब सामान फिर से आउट ऑफ द स्टेट बेचा और काव्या को बेचा, काव्या अकाउंट डेबिटेड 2 सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, 3 लाख का बेचा, 3 लाख का 12% 36,000 उधार पे बेचा. सो काव्या इज बिकमिंग माय डेटर, काव्या में अमाउंट बाद में फिल करेंगे, पहले सेल और आउटपुट की कर लेंगे, कल सिखाया हुआ है पर्सनल अकाउंट एंड में जाके फिल होता है. टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी कंबाइंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सो सेल्स इज 3 लाख, उसी का 12% 36,000, सो दोनों को ऐड करके 3,36,000. आगे चलिए, कम टू नेक्स्ट, 5 लाख का सामान लोकली बेचा नुसरीन को, लोकली बेचा तो सीजीएसटी भी अलग होगा, एससीएसटी भी अलग होगा. तो लोकली का मतलब क्या, विद इन द स्टेट, विद इन द सिटी, लोकली का मतलब विद इन द सिटी या रादर, राइट? तो क्या एंट्री होगी, बिल्कुल ठीक, नुसरीन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एससीएसटी. सो व्हेन एवर ही इज यूजिंग अ वर्ड लोकली इन द क्वेश्चन, यू विल नॉट बी पासिंग द एंट्री विद आईजीएसटी, यू विल बी राइटिंग सीजीएसटी एंड एससीएसटी सेपरेटली, राइट? सो व्हाट यू विल बी डूइंग हियर, टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, डन. तो नुसरीन की अमाउंट बाद में फिल करेंगे, कितने का सामान, 5 लाख, पहले सेल्स फिल करिए 5 लाख, फिर 6-6% 30,000 ईच, 5,60,000 की सेल नुसरीन को, 5,60,000, डन. एनी डाउट टू एनीवन, कम टू नेक्स्ट, पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल हमेशा विद इन द स्टेट रहता है और इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता है भाई, टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख लीजिए या टेलीफोन बिल लिख लीजिए, और ये आपकी अपनी स्टेट का ही कनेक्शन आपने लिया होगा, इसलिए इनपुट सीजीएसटी अलग, इनपुट एसजीएसटी अलग. सो हियर आई गो विद दैट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी, पहले इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड, चेक है टू बैंक, अमाउंट बोलिए, बिल है 6,000, 6,000 का 6% 360, 6720, हो गई बात खत्म टेलीफोन बिल की. एनी डाउट, एसी खरीदा, वी आर अज्यूमिंग एसी बिजनेस के लिए खरीदा है, वी कैन कॉल इट ऑफिस इक्विपमेंट. देखो इसने एसी वर्ड लिखा है कि ऑफिस इक्विपमेंट लिखा है, व्हाट ही रोट, अच्छा फिक्स्चर्स लिख दिया इसने, ठीक है, फिक्स्चर भी लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, एसी भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो वी बॉट इट ऑन क्रेडिट, अगर वो एसी की फिटिंग करवाई है ना, क्योंकि एक फिक्स्ड एसेट है ना, तो ही कॉल इट फिक्स्चर. आप भी नाम यही याद कर लो, जब कभी भी पेपर में एसी आएगा यू विल बी कॉलिंग इट फिक्स्चर. फिक्स्चर अकाउंट डेबिटेड, मैंने बोला नरेशन में एसी के बारे में रेफरेंस दे देना,
और यहां पे भी एसी डेबिट कर सकते हैं बिकॉज दैट इज द नेम ऑफ द एसेट. अकाउंट डेबिटेड कितने का? 30 का. लोकली खरीदा है. इनपुट सीजीएसटी 6% 1800 1800, राइट? 1800 1800. इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड. उधार पे खरीदा है. व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? लोन जसीन. सिक्स परसेंट ईच 3600 33,600. अगला सेट ऑफ है. हाँ जी, सेट ऑफ किसका होना है? आईजीएसटी का. पहले आईजीएसटी का सेट ऑफ करें. क्या सीजीएसटी का भी सेट ऑफ है? कोई हम लोगों ने लोकल सेल करी है? हाँ करी है. पहले आईजीएसटी का कर लें सीक्वेंस वाइज. चलो जी, आईजीएसटी मैं आपको बोलूंगी क्योंकि मैं ट्रांजेक्शन पढ़ूंगी, मैंने सारा इरेज कर दिया हुआ है. आई विल टेल यू और आप एड करते जाओगे, ठीक है? पहले मैं एंट्री लिख के रखती हूँ. आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट आईजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. बताया हुआ ना पहले फैमिली में से फैमिली एडजस्ट होनी है. सो व्हाट विल बी द एंट्री? आउटपुट आईजीएसटी डेबिटेड टू इनपुट आईजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. आउटपुट आईजीएसटी कब आई होगी? जब मैंने आउट ऑफ द स्टेट सेल करी होगी. सो आउट ऑफ द स्टेट मेरी एक ही सेल है 8 फरवरी की, और अमाउंट थी तब 3 लाख का, 12% 36,000. 36,000 डेबिट कर दूं, पूरे का पूरा ही डेबिट होगा क्योंकि पूरा मेरे को देखना है गवर्नमेंट को कितना जमा करवाऊंगी. चलिए जी, इनपुट आईजीएसटी मेरी पहली एंट्री में आया था 4 लाख का, जब मैंने 12% किया था दैट वॉज 48,000. तो हमारा तो ज्यादा भाई उलट आ रहा है. देखो इसने कैसे किया. ओके, तो गवर्नमेंट फिर को कुछ भी नहीं जमा करवाना, नील है हमारा 48,000. देखो मैं बताती हूँ लॉजिक. यहाँ पे 48,000 आ रहा है, वो तो होना ही नहीं एडजस्ट ना. वो तो तब एडजस्ट होना है अगर ये ज्यादा हो और ये कम हो. सो रूल क्या बनाया हम लोगों ने? इफ योर इनपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट आईजीएसटी देन इट इज टू बी काउंटर बैलेंस टू द एक्सटेंट ऑफ इनपुट आईजीएसटी. मीन्स 36,000 मेरा क्या है? आउटपुट आईजीएसटी की अमाउंट है. गवर्नमेंट को तो जमा कुछ भी नहीं होना, ये तो खैर श्योर है क्योंकि आपने कलेक्ट कम किया है. क्यों कलेक्ट कम किया? क्योंकि आपने खुद 4 लाख का सामान खरीदा और बेचा अभी तक सिर्फ 3 लाख. बाकी अगर बेचा भी है तो आउट ऑफ द स्टेट नहीं बेचा, वो विद इन द स्टेट बेचा. यू आर गेटिंग मी? तो इट मीन्स कि कलेक्शन आपकी क्या हुई है? कम. और आपने खुद ज्यादा उसके ऊपर पे किया हुआ है. ऑलरेडी आपने ज्यादा पे किया हुआ है, आप और थोड़ी ना गवर्नमेंट को दोगे. इट मीन्स कि गवर्नमेंट को तो देने के कोई हालात नहीं है. दैट यू आर आस्किंग वन डे ना कि विल इट हैपन? यस इट विल हैपन. सो हियर इट इज हैपनिंग. हियर बाय योर इनपुट इज ग्रेटर देन. सो आई विल नॉट बी राइटिंग द अमाउंट ऑफ इनपुट, आई विल बी एडजस्टिंग इट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन आउटपुट. तो इट मीन्स कि अगर अपनी फैमिली का पूरा एडजस्ट नहीं हुआ, या एडजस्टमेंट की तो खैर बात ही नहीं है यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या था? आउटपुट कम था और इनपुट क्या था? ज्यादा था. अब इसका इनपुट 12,000 बचा है, ठीक है? अब इसका इनपुट जो 12,000 बचा है वो हो सकता है अगले वाले स्लैब में हम लोग एडजस्ट करें. यहाँ पे सिर्फ 36,000 ही हमारा क्या हुआ एडजस्ट. और सीजीएसटी और एससीएसटी का तो कुछ भी एडजस्ट नहीं ना हो सकता क्योंकि अपनी फैमिली का ही इसका गड़बड़ हो गई. गेटिंग इट? तो फॉर टेलिंग यू आई रोट ऑल द 3 जीएसटी. आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट इट मे हैपन. Hereby, what was the case? Otherwise, usually, what happens? Output is greater than input. Am I right? But hereby, input is greater than output. So I can't adjust the whole amount. So I reduced my input to the extent of amount available in output. Right? अब अगली टर्न किसकी है भाई? CGST की. चलो जी. यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ नहीं जमा हुआ. Already हम गवर्नमेंट को ज्यादा जमा करवा चुके हुए क्योंकि हमारी कलेक्शन क्या है? हमारी कलेक्शन कम है और हम ज्यादा पे कर चुके हैं. अब सीजीएसटी की टर्न करते हैं. आउटपुट टू
इनपुट आईजीएस, हाँ आईजीएसटी बीच में होगा, टू इनपुट, अगर इसका बच्चा, मैंने बोला ना इनपुट उसका बचा हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पे कितना एडजस्ट होगा। पहले ही अपनी फैमिली को एडजस्ट करेगा, और मेरे को पता है आईजीएसटी का 12,000 बचा हुआ है, दैट इज इन माय माइंड। ठीक, अब मेरे को आउटपुट सीजीएसटी बताना, जब मैंने विद इन द स्टेट सामान को बेचा था, विद इन द स्टेट मैंने 5,00,000 का सामान बेचा था, 5,00,000 का 6%, 30,000 आउटपुट सीजीएसटी 30,000 है। देखो 30,000 से किया इसने, नहीं, ओके ओके, 30,000 मैंने लिख के रख लिया। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी ढूंढो, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एक तो आपका टेलीफोन बिल पे है, ठीक है, कितना, 6,000 का 360, ठीक है, और एक एसी पे भी है 30,000, यस। अब देखो जी, 301 और 360 था और 1800, फिर से क्या लग रहा है, मैंने रफ वर्क में अभी लिख के रखा, फिर से क्या लग रहा है, 30,000 हमारा आउटपुट क्या है, ज्यादा है, और इनपुट हमारा क्या है, कम है। सो आई हैव टू रिड्यूस, मैं इनपुट जितना है मैं 2160 वही लिखूंगी, और क्योंकि मैंने आईजीएसटी का कवर करना है, आईजीएसटी का ऑलरेडी कितना रहता था वहां पे इनपुट 12, दैट्स व्हाई ही रोट 14,160। अभी भी 30,000 का पूरा कवर नहीं हुआ, 30 में से 14 एक, तो 16,000 बचा, 16 में से 160 और माइनस कर दो तो आपका कितना अभी रहता है, 15,840। अभी आपका इन आउटपुट सीजीएसटी अभी भी 15,000 समथिंग रहता है, ठीक है, मींस गवर्नमेंट को अभी भी ज्यादा जमा करवाया हुआ है, अब कुछ नहीं देना, कहीं पे भी टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मैं नहीं लिख रही हूं, बिकॉज ऑलरेडी वी पेड इन एडवांस टू द गवर्नमेंट, दोबारा दोबारा थोड़ा टैक्स पे करेंगे, इनपुट ऑलरेडी ज्यादा पे कर चुके हुए। ठीक है, आगे चलते हैं, अब किसकी टर्न है, ओके, आउटपुट एसजीएसटी सेम सेम अमाउंट रहती है, टू इनपुट जितना सीजीएसटी रहा होगा उतना ही तो एससीएसटी रहा होगा, इज इट क्लियर, देखो 2160 लिखा है, कहां पे है 2160 ही है, वी आर डूइंग फिफ्थ ना, यस, इतना तो क्लियर है, अब दोबारा कैलकुलेशन थोड़ा ना करने बैठोगे, दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं, जितना एससीएसटी है उतना ही सीजीएसटी होता है और वाइस वर्सा भी है, तो इट मींस कि अगेन यहां पे इनपुट क्या है, कम, और आउटपुट क्या है, ज्यादा, तो हम लोगों ने इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, गवर्नमेंट को फिर से कुछ नहीं देंगे। सो हियर, अब देखो जी आगे क्या करा उसने, इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, अब आप मेरे को सोच समझ के बताओ, आईजीएसटी का आउटपुट कुछ बचा है, क्योंकि आउटपुट आपकी कलेक्शन है, आउटपुट आईजीएसटी का कुछ बचा था, क्यों नहीं बचा था, अगर 36 यहां पे कवर हो गया तो 12 इधर इनपुट के अगेंस्ट कवर हो गया, ये तो 48 का 48 गया, आउटपुट आईजीएसटी आपके पास 48 था, ठीक है, 48 का 48 कवर हो गया, ओके, इसमें से गवर्नमेंट को कुछ नहीं जमा करवाना, आउटपुट सीजीएसटी आप अपने कस्टमर से ले चुके थे, कितना ले चुके हो, आउटपुट सीजीएसटी कितना ले चुके हो, 30,000, 30 में से कितना एडजस्ट किया, 14,160, अभी भी कितना रहता है, ये मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके बता दी थी, व्हाट अबाउट माय आउटपुट एसजीएसटी, वो भी 30,000 था, लेकिन नहीं वो सेम नहीं है, क्योंकि वहां पे आईजीएसटी कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ, उसमें से सिर्फ 2160 एडजस्ट हुआ है, 0489 27,840 आपका अभी स्टेट का आउटपुट रहता है, 15,840 अभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आउटपुट रहता है, अब टर्न आ गई है गवर्नमेंट को जमा, ठीक है, नहीं ऐसे करना तो यहीं पे कर सकते थे, इसी एंट्री में सिखाया हुआ है टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और यहां पे भी फिर यहां पे पूरा पूरा लिखना पड़ेगा 30,000, ठीक है ना, जितना इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया फाइन, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कैश में कर दो, उसने आपको एक स्टेप सिखाया ताकि आपको प्लस माइनस करना आपके माइंड में रहे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट व्हिच यू कलेक्टेड, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट व्हिच यू ऑलरेडी पेड, आउटपुट के अगेंस्ट पहले इनपुट एडजस्ट करते रहे, इट मींस कि जो लाइन में पहले बोलती गई कि ऑलरेडी हम ज्यादा पे कर चुके हैं वो नहीं, हम ज्यादा कलेक्ट कर चुके, ठीक है, हम ज्यादा कलेक्ट कर चुके हैं लेकिन उसके अगेंस्ट पे हमने कम किया है, जो बचेगा वो गवर्नमेंट को जमा करवाना मेरी ड्यूटी है, इतना दोनों केसेस में क्लियर है कि दोनों का 30,000 था,
14160 इसका एडजस्ट हो गया तो बाकी कितना बचा 15840। इसका भी 30 था, 30 में से सिर्फ 2160 क्या हुआ है एडजस्ट, बाकी कितना बचा 27840। अब कर दो ना गवर्नमेंट को पेमेंट, नहीं करनी अगली वाली एंट्री अलग से तो यहीं पे कर दो टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यहीं पे कर दो टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एनी वे यू कैन अडॉप्ट। ठीक है, सो दिस वॉज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी पेपर में। ठीक है, सो आई कैन गिव यू अ स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन लाइक फॉर सेट ऑफ ओनली एंड आई कैन आस्क यू टू आइडेंटिफाई द राइट एंट्री विद द राइट अमाउंट। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करने में 3-4 मिनट तो लगेंगे ना। यू नो व्हेन वी विल बी पुटिंग द पेपर ऑफ एमसीक्यू, आई एम टेलिंग टू एवरीवन, एमसीक्यू विल नॉट बीइंग एवरी टाइम सिंपल बिकॉज एमसीक्यू की कैटेगरीज है, सीबीएसई ने बोली हुई है हमें। वन विल बी द सिंपल एमसीक्यू कैटेगरी जहां पे आपके लिए आंसर ढूंढना आसान रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमें किया हुआ है या मैम ने करवाया हुआ है। वन टाइप ऑफ एमसीक्यू विल बी कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू जहां पे आपको पढ़ के ये लगेगा कि दो से ज्यादा ऑप्शन या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट लग रही है। देन देयर विल बी सर्टेन assertion reasons question, then there will be certain matching question, ठीक है, एक आधा कोई और आसान डालना होगा तो true false हो जाएगा, यहाँ कोई blank हो जाएगा, otherwise it is not going to be easy। 90 minutes का अगर paper है, 40 question अगर आपको देने हैं तो accounts में तो calculation based रहेगा ही ना। ठीक है, so for that you have to prepare yourself, you can't skip the numerical practice, आपको daily numerical practice करनी होगी ताकि आपको calculation पता चले how to make the calculations। क्लियर है डिफरेंस कैसे आया 15840 और 27840। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कम एट द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, कम एट द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन एवरीवन। कल मैंने लेक्चर स्टार्ट करवाना, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हमने डिस्कस कर लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे नई बुक्स का, पेज नंबर 5.27 पे आएंगे सभी लोग, पेज नंबर 5.27। सबसे पहली लाइन ध्यान से पढ़ो, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जैल सिंह और ब्रैकेट में लिखा ट्रांसपोर्टर, इट मींस कि इट इज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। जब ये मोटर व्हीकल खरीदेगी तो क्या होगा इसके लिए, जीएसटी लगेगा। मोटर व्हीकल जब नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी खरीदती है तो जीएसटी लगता है, अलग से नहीं लगता, कॉस्ट में एड हो जाता। इसमें इसमें इनपुट सीजीएसटी और एसटीएसटी लगेगा अगर विद इन द स्टेट है, अगर आउट ऑफ द स्टेट मोटर व्हीकल खरीदे हैं तो आपको आईजीएसटी लगेगा। सो ये बताना आपको हिंट है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, वो मोटर व्हीकल की परचेज पे अप्लाई होता है और तो कहीं पे नहीं अप्लाई होता। करना शुरू करो, स्टार्टेड हरी आप। सिक्स क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज, 1 अगस्त से लेके पूरे साल का 6 महीने का रिकॉर्ड है, अगस्त से लेके मार्च तक का रिकॉर्ड है। स्टार्टेड एवरीवन, this is purchases, account debited, yes, input CGST debited, input SGST debited, अब की बार payment check के through हुई है to bank, so purchases were with rupees 60,000, 6% 3600 each, 7200 बन गया 67,200। Being goods purchased and GST paid, CGST and SGST paid at the rate of 6% each. VV Giri को सामान बेचा, VV Giri account debited to sales, to output CGST, to output SGST. So need not to write now, you are familiar with, right? 40,000 का 6% कर लो, 2400 अगली एंट्री करके रखो सेल की। वीवी गिरी इज द नेम ऑफ माई डेटर टू सेल्स अकाउंट, आगे बोलो, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, सेल इज ऑफ 40,000, 40,000 का 6% 2400 ईच, 4800 एड करके अमाउंट लिख दो 44,800। इज इट क्लियर? तो दोनों ही आपकी क्या है, विद इन द स्टेट है। आगे चलते हैं, यस, अब आ गई ना बात मोटर वैन्स की, मोटर वैन्स अकाउंट लिमिटेड, आगे बोलो,
और आउट ऑफ द स्टेट खरीदा भाई, जब वो आईजीएसटी की बात करेगा तो मैं उसके साथ कोई झगड़ा नहीं करूंगी, ये उसकी मर्जी है विद इन द स्टेट खरीदे। हाँ उससे पहले रिटर्न वाली है, रिवर्स मैकेनिज्म करो फिर। बीवी गिरी ने मेरे को सामान वापस भेजा, सेल्स रिटर्न है, पहले ये करो। दीपांशु बोलोगे आप? हाँ गुड, दिस इज व्हाट वी कॉल रिवर्स मैकेनिज्म टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू वीवी गिरी, इसका आउटपुट भी कैंसिल कर दो, टू आउटपुट सीजीएसटी, इसे रिवर्स मैकेनिज्म कहते हैं, आउटपुट डेबिट होगा राइट, इनपुट क्रेडिट होता है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, टू वीवी गिरी बाद में फिल करेंगे, पहले तीनों आइटम्स फिल करो। सेल्स रिटर्न कितने का? 4000 का वापस आया तो 6-6% था, 240 480 हो गया, 4480 डन। ये 44,800 था, ये 4,480 हुआ, 10 मतलब पीछे से एक हटा के इसका सीधा 10% ही वापस आया ना, 40,000 का 10% 4,000 ही है ना, तो सीधा कर सकते थे कैलकुलेशन। ये अगली एंट्री आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हेन आई मिस्ड दिस थर्ड नंबर, दिस विल बी मोटर वैन अकाउंट डेबिटेड। आगे बोलो, इनपुट आईजीएसटी डेबिटेड, और क्योंकि कैपिटल गुड्स हैं तो 28% मैक्सिमम स्लैब लगता है, और जब वो आईजीएसटी खुद दे रहा है दैट इज अ हिंट कि आउट ऑफ द स्टेट व्हीकल खरीदे हैं, और वैसे भी जयल सिंह का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वो ट्रक वगैरह तो खरीदेगा ना, ठीक है। तो क्या होगा, मोटर वैन अकाउंट डेबिटेड इनपुट आईजीएसटी डेबिटेड, चेक के थ्रू करा कैसे किरा? ओके कुछ नहीं कहा तो कैश में है, 28% 6,00,000 का टू कैश, 6,00,000 के मोटर। हाँ ओके ईच है, गुड ईच है मोटर वैन, 6,00,000 ईच वर्ड लिखा है, यस ईच 18,00,000, 18,00,000 28% कर लिया होगा आपने, 20% करती तो 3,60,000 होता, 8% और करना, कितना बना 124 है, करो 18 को 28 से 64, 6, 18, 4, 14, 36, 4 फोर नहीं फाइव, 5,04,000 ठीक है, 5,04,000 दिस विल बी 5,04,000 तो टैक्स है भाई, तो ओवरऑल बना 23,04,000 डन। एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर है? आगे चलो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर रिवर्स मैकेनिज्म, चलो तनिषा बोलो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड बिल्कुल ठीक है, टू परचेसेस और क्या, यस टू इनपुट सीजीएसटी, और कहता जब सामान खरीदा था तो ब्रैकेट में बता दिया तब टैक्स लगा था 6-6%, तो 8,000 लॉस बाय फायर है, नहीं 8,000 परचेसेस है, 8,000 का 6-6% 480 बनेगा। लेट सी द एंट्री, लॉस बाय फायर बाद में फिल करेंगे, पहले टैक्स फिल होगा, परचेसेस लिखी जाएंगी। लॉस बाय फायर टू परचेसेस, कॉस्ट दे रखी होगी ना ये, हाँ यही होना चाहिए, रिवर्स तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, टू इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं हमारे सिलेबस में, टू इनपुट रिवर्स मैकेनिज्म सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, सो दिस इज ऑफ 8,000, 8,000 का 6% 480, 960 हो गया, 8,960 लॉस बाय फायर आपका कितना होगा 8,960 का। स्टेशनरी खरीदी, ऑफिस के लिए भी खरीदी, पर्सनल यूज के लिए भी खरीदी, बताओ जरा एंट्री कंबाइंड बतानी, कंपाउंड क्योंकि डेट सेम है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश,
ओके मैंने क्या बोला दोबारा बोलो. अच्छा चलो अलग अलग बताओ, ड्रॉइंग्स की बात नहीं करते, पहले स्टेशनरी की बताओ. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड टू कैश, डन. ड्रॉइंग्स पे जीएसटी लगता है, ड्रॉइंग्स पे जीएसटी लगता है, थ्योरी में पढ़ा है कहीं? पेज टर्न करो, आओ पीछे ढूंढो जरा कहीं पे लिखा है ड्रॉइंग्स पे जीएसटी लगता है. नीचे हिंट दिया कुछ? नहीं, रिवर्स मैकेनिज्म तो लगेगा अगर गुड्स विदड्रॉन है. गुड्स विदड्रॉन थोड़ी ना यहाँ पे, मैंने बोला नहीं विदड्रॉन, गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है तो रिवर्स मैकेनिज्म लगना है. यहाँ पे आपने बिजनेस का, मैं सुनू तुझे, यहाँ पे आपने बिजनेस का पैसा यूज किया और खुद के लिए स्टेशनरी खरीदी, तो ड्रॉइंग्स टू कैश है, ड्रॉइंग्स टू कैश है. मैं ये पूछ रही हूं कि जब आपने सामान ऑफिस यूज के लिए खरीदा तो क्या हुआ? उसके ऊपर तो लगेगा, तो जब ड्रॉइंग्स है तो उसके ऊपर लगेगा जीएसटी. जर्नल में आपको एक रूल करवाया हुआ है, ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज शुड बी ऑलवेज एट कॉस्ट. ठीक है, तो अपने लिए अगर वो सामान खरीदेगा मेरे हिसाब से जीएसटी नहीं होगा, पर फिर भी हम थ्योरी पढ़ेंगे. देखो थ्योरी में कुछ ड्रॉइंग्स वगैरह का लिखा हुआ है कुछ? पेज नंबर 5.17 पे आओ, सेकंड पॉइंट पढ़ो. GST is not levied on the following transaction. Amount withdrawn by proprietor for personal use. So amount withdrawn ही है. Drawings account debited to cash है ना? तो GST नहीं लगना. This point you have to keep in your mind. इसी तरह से additional capital introduced या simple capital introduced उसके ऊपर GST नहीं लगना. So these 10 points you have to keep in your mind. That again you have to read for theory purpose. इसके ऊपर MCQ बनता है. Drawings to cash होगा simple. जीएसटी नहीं लगेगा. आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ट्रांजेक्शन इकट्ठी दी हैं. वन इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड टू कैश, देन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश. बेटर है अलग अलग ही करो, ठीक है? आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी. आगे चलो, कम टू नेक्स्ट. पेड रेस्टोरेंट बिल क्या करना है? कॉस्ट में बढ़ा देना है, जीएसटी को अलग से नहीं दिखाना. सिखाया हुआ ये भी, कैंट्री बनेगी. रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, 4000 का सीधा 5% कर दो, 4200. रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, 4200. ठीक है, बिल को बढ़ा देते हैं. अगला भी करो, ड्यूरेशन का बताओ मेरे को. रिवर्स मैकेनिज्म होगा, डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी. गुड, सो दिस वाज द लास्ट डे. लिख सकते हैं चैरिटी, लिख सकते हैं. डोनेशन पे रिवर्स मैकेनिज्म है, टू परचेसेस है तो इनपुट रिवर्स कर देना, ठीक है?